का जो हमें आज विश्राम दिन में इकट्ठा किया है। धन्यवाद हो जो हमें पूरा हफ्ता संभाल कर रखा है। धन्यवाद करती हूँ आई बहन भाइयों का, क्योंकि खुदा ने हमें इकट्ठे किया है अपनी उपस्थिति, अपनी आराधना करने के लिए। आप सब जानते हो कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत खराब था, तो कोई बचाव नहीं था। मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ। कुछ लोग नहीं जानते जो नए आए, कुछ लोग जानते हैं। तो प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे बचाया। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमें हमेशा बचाता है, खुदा हमें हमेशा अपने साथ रखता है। हम भूल जाते हैं उन भलाइयों को, उन वफादारियों को जो हमारे साथ किया, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया। आप सब जानते हैं मुझे बहुत ऐसी भयानक बीमारी थी जिसका इलाज भी नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में बहुत बीमारी आती है, हम गवाही नहीं देते। हम सोचते हैं कि इस गवाही को दुबा कर रखें, लेकिन नहीं। खुदा कहते हैं गवाही आप आज देंगे तो कल मैं भी आपका गवाह हूँगा। हालेलुया। क्योंकि गवाही देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कि हम दूसरों का जीवन बदल सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं भी आपके साथ नहीं हूँ। क्योंकि खुदा हमें हमेशा यही सिखाते हैं। उस दिन जब 20 दिन के बाद मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपका बचाव नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, जा कैसे करो, लेकिन मेरा क्लीसिया और मेरे खुदा के प्रार्थना करती थी, मेरे रिश्तेदार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया तो मेरा बचाव हुआ। जब रात को 20 दिन के बाद मुझे 3 स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया और बहुत सारी मेरे बीच से कुछ निकाल रहे, तो मैंने पूछा क्या आप क्या कर रहे हो, तो मुझे बोलते आप सो जाओ। लेकिन मैं सो गया। उसके बाद मुझे ऐसे हुआ कि जैसे मैं कोमा में चले गया। कुछ दिन के बाद मेरा बेटा बोला है मम्मी मैं तुझे जीवित लेके जाना है, मैं ऐसे घर नहीं लेके जाना। लेकिन सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। लेकिन खुदा ने मुझे उत्तर दिया। 10 दिन के बाद जब मेरा पूरा ऑक्सीजन खत्म हो चुका और 2 सिलेंडर एक दिन में लगते थे, तो बहुत परेशानी उठा रहे थे। मेरा बेटा बहुत परेशान था। पूरे 28 दिन मैं हॉस्पिटल में एक जिंदा नरक के बीच में पड़ा रहा। लेकिन परमेश्वर ने जब मेरा आवाज़ को सुना, मेरा मन में यही विश्वास था कि प्रभु मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो मेरा पिता है, वो मेरे साथ है, मुझे घर में लेके जाएंगे। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद हो, महान परमेश्वर का। और उसके उस समय मेरा बेटा मेरे साथ रहा। लोग कहते थे कोरोना बहुत भयानक बीमारी है, साथ रहना नहीं है जान, क्योंकि कोई देख नहीं आता था। तो मैं उसको भी बोलती थी कि तुम मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि हमारा विश्वासी काफ़ी गया। लेकिन उनको मैंने यही बोला कि तुम मेरे पास से चले जाओ, लेकिन क्योंकि कुछ गुस्सा भी करते थे, क्योंकि उनके मन में ये था कि हमें जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते। लेकिन मेरे अंदर ये विश्वास मुझे हुआ है और दूसरों को बचाव करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ता। जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं तो खुदा हमें अनाथ नहीं छोड़ता। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बचाया और मैं आज आपके बीच में खड़ी हूँ और गवाही दे रही हूँ। लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसका बचाव नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने दिन रात मेरे साथ गुजारा। और उस वक्त
मेरे पति को भी एक दिन दर्द हुआ और इनका भी ऑपरेट करना पड़ा पथरी का, क्योंकि उस टाइम ये होश हॉस्पिटल में पड़े थे, मैं इसमें पड़ी थी। लेकिन कोई बचाव नहीं था, लेकिन खुदा ने हमें जिंदा रखा। क्योंकि जिस तरह एक औरत कहती बल्ले सुनने के वक्त, मैं कहती हूँ अपने मन में क्योंकि मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, वो ही हमारे बीच में हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई किया वफादारी के साथ। चलो, मेरी कहने का मतलब ये है कि कोई भी भयानक बीमारी हो तो परमेश्वर आपको जरूर छूकर चंगा करेगा। सबको जय।